बिहार में और देश में जो बेरोजगारी है, इसको बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए। केंद्र की सरकार ने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जो उसमें असफल हुए। बिहार में दारू पीने का काम कौन लोग करते हैं? सबसे बड़े बड़े लोग, ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग करते हैं, और इससे बिहार में जो शराबबंदी हुई है, गरीब गुरुओं को नुकसान हुआ है, और इससे शराब से बहुत लोगों की मौत हुई है। हम सासाराम धनाप इसलिए आए हैं कि जो हमारे महादलित पर अत्याचार हो रहा है, जैसे रामगढ़ में अत्याचार हुआ, नवहाटा में अत्याचार हुआ, महादलितों का अत्याचार कर गया, उस पर सरकार कुछ तरह का कार्रवाई नहीं किया है। और हमारा क्रम 2011 से आज तक सरकार का आदेश है कि नहीं, हर महादलित भूमिहीनों को 3 से 5 एकड़ जमीन मिलेगा। इस समय मौजूद है रोहतास जिला के सासाराम के कलेक्ट्रेट परिसर के सामने, और यहाँ पर आपको हम दिखाने का प्रयास करें तो आप चारों तरफ यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो है धरना प्रदर्शन किया गया है। आपको हम बता दें, यहाँ पर एक दिवसीय धरना है जो कि बहुजन समाज पार्टी के तरफ से धरना दिया गया, और यहाँ पर कई सारे बहुजन समाज पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ इस साइड भी आपको हम दिखाने का प्रयास करें तो चारों तरफ आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी लोगों में एक उत्साह है। और साथ ही साथ आपको इस खबर में बता दें कि यहाँ पर जो है बहुत सारे बसपा के नेता इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन किन मांगों को लेकर जो है यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता जो धरना पर बैठे हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर किन किन मांगों को लेकर जो लोग धरना पर बैठे हैं। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि किन मांगों को लेकर आप लोग जो है यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने धरना पर बैठे हैं। जी, मणिपुर में जो अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के साथ बलात्कार, अत्याचार, निरसन हत्या हुई है, उसके खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हुए, वहाँ की सरकार को बर्खास्त की जाए। और जो सबसे निचला हम लोगों का बिंदु है कि बिहार में और देश में जो बेरोजगारी है, इसको बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए। केंद्र की सरकार ने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जो उसमें असफल हुई। और बिहार में चाचा भतीजे की जो सरकार है, भतीजे ने कहा था कि पहली कैबिनेट की पहली ही कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, इन लोगों ने झूठा वादा किया। इन लोगों को हम लोग याद दिलाना चाहते हैं कि आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ था, जो कहा था, उसको अक्षरशः आप लागू कीजिए। और बिहार में जो हत्या हो रही है, जैसे सोनपुर में हत्या हुई है राजा पटेल की, उसके बलात्कारियों को, उसके हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए और राजा पटेल के परिजनों को सरकारी नौकरी दिया जाए। आप लोगों की मांग है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, वहाँ की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। हाँ, बर्खास्त किया जाए। और साथ ही साथ बिहार सरकार के, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश जी ने जो बिहार में दारू बंद किया हुआ है, आप लोगों को भी पता है कि बिहार में दारू पीने का काम कौन लोग करते हैं। सबसे बड़े बड़े लोग, ऊँचे पदों पर बैठे हुए लोग करते हैं, और इससे बिहार में जो शराबबंदी हुई है, गरीब गुरुओं को नुकसान हुआ है, और इससे शराब से बहुत लोगों की मौत हुई है। इसलिए, और जैसे अभी हम लोग जिस जिले से आते हैं, यहाँ पर बालू का जो कारोबार है बंद कर दिया गया है, और इससे राजस्व का नुकसान होता है, दारू से राजस्व का नुकसान होता है। इसको इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी कि राजस्व का नुकसान न हो। आपको क्या लगता है बिहार में कौन कौन से लोग दारू पीते हैं? देखिए, बिहार में दारू पीने का काम ऊँचे पद पर बैठे हुए लोग करते हैं, जिनके यहाँ की छापामारी नहीं होती है, पुलिस की छापामारी नहीं होती है, पुलिस दूर दूर तक नहीं जाती है उन लोगों के घर तक, नेता हैं, ऑफिसर हैं, दारू तो यही लोग पीते हैं। सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो आप लोग होने वाला है? प्रदेश में हम लोग धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए किए गए हैं कि जो दलित महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जो वहाँ पटेल जी को मारा गया, कहाँ पे, आपको उत्तरी बिहार में, उसको लेकर के सब हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं कि जिसकी सरकार में अभी तक हम लोगों को अत्याचार आ रहा है, उस अत्याचार को रोका जाए। और 14 मांग है हम लोगों को। क्या क्या मांग है? अरे, मणिपुर की दुर्घटना जो अनुसूचित जनजाति के महिलाओं को लंगा घुमाया गया, उस पर मांग है कि जो हमारी केंद्र में बैठी हुई सरकार है, उसको क्या काम करे। मोदी सरकार से आप लोगों की मांग है? मोदी सरकार से और सरकार से जो राज्य सरकार में है अभी सत्ता में। आप लोग सासाराम में धरना पर किस लिए आए हुए हैं? हम सासाराम धरना पर इसलिए आए हैं कि जो हमारे महादलित पर अत्याचार हो रहा है, जैसे रामगढ़ में अत्याचार हुआ, नवहाटा में अत्याचार हुआ, महादलितों का अत्याचार कर गया, उस पर सरकार कुछ तरह का कार्रवाई नहीं किया है। और हमारा क्रम 2011 से आज तक
सरकार का आदेश है कि नहीं हर महादलित भूमिहीनों को 3 से 5 एकड़ जमीन मिलेगा, लेकिन अभी तक आज तक नहीं मिला। तो मेरा कहना यही है सरकार से, बिहार सरकार से, जो आप योजना निकाल रही हैं वो सरकार की योजना दे क्यों नहीं रही है, कारण क्या है? जो अत्याचार हो रहे हैं महादलितों पर, उस पर सरकार कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? हमारा यही मांग है। तो देखिए, और भी हमारे लोग हैं, इनके हाथ में पार्टी का झंडा, आप लोग सासाराम में क्यों आए हुए हैं? हम सासाराम में, हमारी जो सरकार दलितों पर और महादलितों पर, अल्पसंख्या पर बहुत बड़ा अत्याचार कर रही है, इसको हम लोग सदैव यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोग का आज जितना सरकार 3 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन देने वादा किया, लेकिन आज तक नभी नहीं दिया, उसको मांगने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सरकार आप लोग की बात नहीं मानेगी तो आप लोग अगला कदम क्या होगा? हम लोग इस धारणा को आगे बढ़ाएंगे, इस धारणा को आगे 2024 में हम लोग दिखा देंगे महादलित का संख्या क्या होती है। किसको दिखाइएगा? नीतीश सरकार को दिखाएंगे, राज्य सरकार को दिखाएंगे, केंद्र सरकार को दिखाएंगे। अभी जो अभी चुनाव होने वाला है 2024 में ना, अगर हमारा बात सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग 24 में 2000 सरकार को पलट देंगे, मोदी सरकार को पलट दीजिए, पलट देंगे हम लोग। देखिए, अभी आप सुन रहे थे सासाराम में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सीधे तौर पर इनका कहना है कि बहुत सारी इनकी मांगे हैं, जैसे कि सरकार का द्वारा कहा जाता है कि दलितों को 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी, जिनके पास अपना जमीन नहीं है वो भी अभी तक किसी को नहीं मिला। सदी दिन की मांग है कि मणिपुर में जिस प्रकार से हिंसा हुई है, दोषियों पर कार्रवाई हो,